नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप यह डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अंडर सीसीएस सीसीए रूल्स 1965 सीरीज का पार्ट 10 देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपसे डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं प्रिलिमिनरी हियरिंग यानी कि प्रारंभिक सुनवाई के बारे में। तो दोस्तों, प्रिलिमिनरी हियरिंग को बेटर तरीके से समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड में जाना जरूरी है। तो इस सीरीज की पिछली वीडियो पार्ट 8 में चलते हैं। पार्ट 8 में मैंने आपसे डिटेल में चर्चा की थी नोटिस ऑफ प्रिलिमिनरी हियरिंग यानी कि प्रारंभिक सुनवाई की सूचना के बारे में, और उसमें बताया था कि प्रिलिमिनरी हियरिंग और रेगुलर हियरिंग में क्या अंतर होता है। यह बताया था कि प्रिलिमिनरी हियरिंग फर्स्ट टाइम जब सारे के सारे पार्टी एक साथ मिलते हैं, जिसकी चर्चा इस वीडियो में हम आपसे डिटेल में करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम मिलते हैं जिसमें इंक्वायरी ऑफिसर, प्रेजेंटिंग ऑफिसर और चार्ज ऑफिसर तीनों फर्स्ट टाइम जो मिलते हैं। यहाँ से लेकर रेगुलर हियरिंग से जो पहले का स्टेज होता है तो उसे प्रिलिमिनरी हियरिंग कहते हैं या प्रिलिमिनरी हियरिंग स्टेज कहा जाता है। और नोटिस ऑफ प्रिलिमिनरी हियरिंग में ये भी बताया था कि जब इंक्वायरी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होता है और इंक्वायरी ऑफिसर को डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से अपॉइंटमेंट ऑर्डर और चार्जशीट की कॉपी मिल जाती है, तो उसके बाद इंक्वायरी ऑफिसर चार्ज ऑफिसर को नोटिस जारी करती है और उसमें डेट, टाइम और वेन्यू यानी कि प्लेस फिक्स होता है, यानी कि किस डेट को, किस समय पर और किस जगह पर चार्ज ऑफिसर को प्रेजेंट होना है, और उसकी एक कॉपी प्रेजेंटिंग ऑफिसर को भी दी जाती है, उसे भी प्रेजेंट होने के लिए कहा जाता है। और तीनों जो एक साथ मिलते हैं उसे प्रिलिमिनरी हियरिंग कहते हैं, जिसकी चर्चा इस वीडियो में हम आपसे करने जा रहे हैं। और उसमें फर्दर इंस्ट्रक्शन ये भी दिया जाता है चार्ज ऑफिसर को नोटिस ऑफ प्रिलिमिनरी हियरिंग में कि उस रोज किसी भी गवाह की गवाही नहीं ली जाएगी, बल्कि जो प्रिलिमिनरी थिंग्स है उसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं प्रिलिमिनरी हियरिंग के बारे में, यानी कि क्या क्या ट्रांजेक्शन होता है प्रिलिमिनरी हियरिंग के रोज, और चार्ज ऑफिसर को किसकी तैयारी करके प्रिलिमिनरी हियरिंग अटेंड करने जाना चाहिए, और कौन कौन से प्रश्न यानी किस तरह के प्रश्न इंक्वायरी ऑफिसर के द्वारा चार्ज ऑफिसर से पूछे जाते हैं। तो प्रिलिमिनरी हियरिंग को अच्छे से समझने के लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैं 10 ऐसे क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि नॉर्मली इंक्वायरी ऑफिसर चार्ज ऑफिसर से पूछते हैं और जिसकी तैयारी चार्ट ऑफिसर को करके जानी चाहिए। नहीं तो कहीं गलती हुई या किसी भी कोई भी जो प्रश्न है जो इंक्वायरी ऑफिसर के द्वारा पूछा जाता है, अगर उसका गलत आंसर होता है तो उससे पूरा के पूरा जो डिफेंस है वो प्रभावित हो सकता है, यानी कि जो बचाव में चार्ट ऑफिसर कहना चाहता है या आगे जो स्टेप लेना चाहता है तो प्रभावित हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, अगर आप चार्ट ऑफिसर हैं यानी कि आप पर किसी तरह का चार्ज लगा हुआ है उस पर्पज से इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर आप डिफेंस असिस्टेंट का काम करना चाहते हैं इसलिए देख रहे हैं, या फिर आप प्रेजेंटिंग ऑफिसर या इंक्वायरी ऑफिसर के रोल में हैं, तो सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो फिक्स से डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ प्रिलिमिनरी हियरिंग, यानी कि प्रिलिमिनरी हियरिंग का जो डेट होता है, टाइम होता है या फिर वेन्यू होता है जिसे प्लेस ऑफ इंक्वायरी कहते हैं, यह कौन फिक्स करता है। When date, time and venue of preliminary hearing is fixed, यानी कि जो date, time and venue होता है preliminary hearing का, यह कब फिक्स होता है। What questions are asked on the date of preliminary hearing, preliminary hearing के रोज किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यह बहुत ही वाइटल चीज है preliminary hearing, तो इन क्वेश्चन के बारे में आगे इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और व्हाट अदर ट्रांजेक्शंस आर डन ऑन द डेट ऑफ प्रिलिमिनरी हियरिंग, और क्या क्या काम होता है प्रिलिमिनरी हियरिंग के रोज। तो आप बिल्कुल इसे जानने के लिए तैयार रहिए। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने YouTube चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं प्रिलिमिनरी हियरिंग के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं व्हेन डेट ऑफ प्रिलिमिनरी हियरिंग इज फिक्स्ड बाय आईओ। अब यहाँ तो जो प्रश्न उठाया है कि जो डेट होता है प्रिलिमिनरी हियरिंग का, जो डेट, टाइम और प्लेस होता है यह इंक्वायरी ऑफिसर के द्वारा फिक्स किया जाता है, और इंक्वायरी ऑफिसर के द्वारा जो फिक्स किया जाता है यहाँ देख सकते हैं
कब फिक्स होता है? कहता है टू इनेबल इंक्वायरी ऑफिसर टू होल्ड द इंक्वायरी द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सेंड्स चार्ज शीट टू द आईओ टुगेदर विद द अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑर्डर एज पर रूल 14(6). यानी कि इंक्वायरी ऑफिसर इंक्वायरी होल्ड कर सके, यानी कि इंक्वायरी कर सके, इसके लिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी ऑफिसर को अपॉइंटमेंट ऑर्डर और चार्जशीट की कॉपी भेजती है, और यह रूल 14(6) के तहत ऐसा किया जाता है। अब देखिए रूल एज पर रूल 14(7) ऑफ द सीसीएस सीसीए रूल्स फर्स्ट हियरिंग ऑफ द केस मस्ट बी शेड्यूल्ड विद इन 10 डेज ऑफ द आईओ रिसीविंग चार्जशीट। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जब इंक्वायरी ऑफिसर को चार्जशीट की कॉपी और अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल जाता है तो कितने दिन के अंदर प्रिलिमिनरी हियरिंग शेड्यूल करना होता है? तो यहाँ देख सकते हैं कि इसे मिलने के बाद 10 दिन के अंदर आईओ को शेड्यूल करना होता है, यानी कि प्रिलिमिनरी हियरिंग का डेट टाइम और प्लेस फिक्स करना होता है, और विशेष परिस्थिति में इसे 10 दिन बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 10 दिन के अलावा 10 दिन और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि मैक्सिमम 20 डेज के अंदर में शेड्यूल फिक्स करना होता है इंक्वायरी ऑफिसर को। अब यहाँ पर जैसे कि अभी भी मैंने आपसे डिस्कशन किया है कि जब सारा डॉक्यूमेंट मिल जाता है तो इंक्वायरी ऑफिसर, इसका डिस्कशन अभी जस्ट पहले भी किया है, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि इंक्वायरी ऑफिसर सेंड्स अ नोटिस टू द चार्ज ऑफिसर फिक्सिंग डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ प्रिलिमिनरी हियरिंग आस्किंग द चार्ज ऑफिसर टू बी प्रेजेंट एट द प्रिलिमिनरी हियरिंग एंड फॉलोइंग प्रिलिमिनरीज आर डन। अब जैसा कि बताया है कि जब सारा डॉक्यूमेंट मिल जाता है इंक्वायरी ऑफिसर को तो एक नोटिस देती है चार्ज ऑफिसर को, और उस नोटिस में फिक्स रहता है डेट टाइम एंड वेन्यू, यानी कि किस डेट को किस समय पर और किस प्लेस पर प्रिलिमिनरी हियरिंग किया जाएगा। तो इसकी सूचना चार्ज ऑफिसर को दी जाती है और उसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसे उस जगह पर प्रेजेंट होने के लिए, और उस दिन क्या क्या प्रिलिमिनरीज होता है, क्या क्या ट्रांजेक्शन होता है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं ट्रांजेक्शन के बारे में, और इस जो ट्रांजेक्शन होता है इसमें 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसका जवाब बड़ी ही सावधानी से देना पड़ता है, नहीं तो अननेसेसरीली चार्ज ऑफिसर परेशानी में फंस सकते हैं अगर इसकी तैयारी करके नहीं जाते हैं। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑन द डे ऑफ प्रिलिमिनरी हियरिंग फॉलोइंग मॉडल क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड बाय आईओ टू द सीओ इन द प्रेजेंस ऑफ ईओ। जैसा कि बताया है कि प्रिलिमिनरी हियरिंग के रोज इंक्वायरी ऑफिसर, चार्ज ऑफिसर और प्रेजेंटिंग ऑफिसर तीनों प्रेजेंट होते हैं, तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर के प्रेजेंस में जो इंक्वायरी ऑफिसर होते हैं वह चार्ज ऑफिसर से ये मॉडल क्वेश्चन पूछते हैं। ये जो दिया गया है ये मॉडल क्वेश्चन है कि इस तरह के या इससे मिलते जुलते प्रश्न ही पूछे जाते हैं प्रिलिमिनरी हियरिंग में। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ये देखिए, प्लीज स्टेट योर नेम डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन एंड ऑफिस इन विच वर्किंग। पहला क्वेश्चन होता है कि आप कृपया अपना नाम बताएं, अपना पदनाम डेजिग्नेशन बताएं और किस ऑफिस में काम कर रहे हैं ये बताएं, फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है। सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं कि हैव यू रिसीव्ड चार्ज मेमोरेंडम डेटेड इशूड बाय सो एंड सो। और सेकेंड क्वेश्चन ये कंफर्म करने के लिए इंक्वायरी ऑफिसर कि चार्ज ऑफिसर को चार्जशीट मिल गया है, इसे कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन पूछता है क्या आपको चार्ज मेमोरेंडम मिल गया है, यानी कि जो चार्जशीट है वो चार्जशीट आपको मिल गया है जो कि इस डेट को इश्यू हुआ, डेट बताता है और किसके द्वारा इश्यू किया गया है ये भी बताता है कि इस डेट को इस पर्टिकुलर ऑफिसर के द्वारा जो चार्ज मेमोरेंडम जारी किया गया है क्या आपको मिला है, ये कंफर्म होने के लिए ऐसा किया जाता है। क्योंकि अगर चार्जशीट ही नहीं मिला होगा तो फिर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड नहीं की जा सकती और आगे की भी इंक्वायरी नहीं की जा सकती। थर्ड क्वेश्चन आप देखें, हैव यू रिसीव्ड ऑर्डर नंबर इतना डेटेड इतना अपॉइंटिंग श्री एज इंक्वायरी ऑफिसर। और तीसरा क्वेश्चन पूछता है क्या आपको उस ऑर्डर की कॉपी मिली है जिसमें सो एंड सो पर्सन को इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया गया है, यानी खुद के बारे में बताते हैं इंक्वायरी ऑफिसर खुद के बारे में कि मुझे जो इंक्वायरी ऑफिसर बनाया गया है तो इससे संबंधित इस डेट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर की कॉपी आपको दी गई है, तो ये कंफर्म करना चाहता है। इसके बाद डू यू हैव फेथ इन आईओ, ध्यान दीजिए ये बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है और यहीं पर आपके पास पूरा पूरा पावर होता है, चाहे तो आप आईओ बदल सकते हैं। क्या आपका आईओ में फेथ है, आईओ में आपका क्या विश्वास है, इंक्वायरी ऑफिसर में विश्वास है? अब यहाँ देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। पहला, इफ सीओ एक्सप्रेस ए लैक ऑफ फेथ इन द आईओ, पहला जो चीज हो सकता है चार्ज ऑफिसर कह सकता है कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है। अगर ऐसा कहता है तो सेम मे बी रिकॉर्डेड, और इसे क्या कहता है, इसे रिकॉर्ड पर लिया जाता है, रिकॉर्ड पर लिया जाता है एंड सीओ मे बी एडवाइज ऑफ द ऑप्शन ओपन टू हिम हर फॉर सीकिंग चेंज ऑफ आईओ। और आईओ कहेगा कि आपके पास ये विकल्प है आईओ चेंज करने का, अगर आप चेंज आपका विश्वास नहीं है तो
इंक्वायरी ऑफिसर में, यानी मुझ पर विश्वास नहीं है, तो आप इंक्वायरी ऑफिसर बदल सकते हैं, और इसकी जो खास करके रिप्रेजेंटेशन किसे दे सकते हैं इसके बारे में भी बताता है। जब इंक्वायरी ऑफिसर में फेथ ही नहीं है, चार्ज ऑफिसर कहता है कि मुझे आप पर विश्वास ही नहीं है, तो ये प्रिलिमिनरी हियरिंग यही खत्म हो जाती है, क्योंकि अब आगे की इंक्वायरी करने से कोई फायदा नहीं होता यहाँ पर। अगर दूसरा सिचुएशन हो सकता है, इफ सीओ एक्सप्रेसेज ही फेथ, वो कहता है कि हाँ मेरा आप पर विश्वास है, आप जो भी करेंगे मुझे पूरा फेथ है कि आप बिल्कुल जस्टिस करेंगे, कहता है दिस मे बी कोटेड अगेंस्ट द सीओ। यहाँ ध्यान रखिए, या तो आपके पास बदलने का ऑप्शन होता है, अगर आप कहते हैं कि हाँ विश्वास है, तो आप आगे अगर आप इस मुद्दा को उठाते हैं कि जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो बाइस रहे, यानी कि उनका रवैया पक्षपातपूर्ण है, और इस तरह का प्रश्न भी अभी पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछा गया है कि पक्षपातपूर्ण है, तो यही चीज कोट किया जाएगा, ये बताया जाएगा कि देखिए ये प्रश्न पूछा था इस इनसे प्रिलिमिनरी हियरिंग में, तो बताया था कि पूरा विश्वास है, फिर पक्षपातपूर्ण होने की बात कहाँ से आती है, प्रेजुडिस्ट होने या बाइस होने की बात कहाँ है, इन केस द सीओ रेज एनी फ्रिवोलस कंप्लेंट ऑफ बाइस लेटर, यानी कि वही बात कि अगर पक्षपातपूर्ण होने का अगर इस तरह का कंप्लेन बाद में करता है, इसी स्टेटमेंट को कोट किया जाएगा कि जब ये प्रश्न पूछा गया था तो चार्ज ऑफिसर ने कहा था कि हाँ उनका इंक्वायरी ऑफिसर पर या इंक्वायरी ऑफिसर में पूरा पूरा विश्वास है। तो ये आपने देखा फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, हैव यू अंडरस्टूड द चार्ज फ्रेम अगेंस्ट यू, और ये भी क्लियर होना चाहता है इंक्वायरी ऑफिसर कि जो चार्जशीट दिया गया है, जो उन पर चार्ज लगे हैं, वह उनके समझ में पूरी तरह आया कि नहीं आया, इसलिए कंफर्म करने के लिए पूछता है क्या जो आपके खिलाफ जो चार्ज फ्रेम हुआ है आपने समझ लिया है, इफ सो डू यू प्लीड गिल्टी टू द सेम और हैज एनी डिफेंस टू मेक। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ बहुत ही केयरफुल होना होता है। जनरली लोग सोचते हैं कि, पहले मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ये प्रश्न पूछता है क्या आप दोषी मानते हैं अपने आप को, क्या आप प्लीड करते हैं कि आप दोषी हैं या आप अपना बचाव करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देखिए, कई सारे कर्मचारी ये सोचते हैं कि अगर गलती मान ले तो छोटी मोटी सजा देके निकल जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक बार एडमिट कर लिया जाता है तो इसी के आधार पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी पनिशमेंट दे सकते हैं, और पनिशमेंट देना उनका डिस्क्रिशन होता है, इसलिए अगर आपको लगता है दोषी है भी तो जनरली इसे स्वीकार ना करें, पूरा इंक्वायरी होने दे, क्योंकि इंक्वायरी के टाइम में हो सकता है कि इंक्वायरी के एंड में जो रिजल्ट है आपके फेवर में हो, इसलिए जल्दीबाजी में ये ना कह दे कि हाँ जो हम पर चार्ज लगे हैं मैं उसे कबूल करता हूँ, ठीक है, बस उत्तर ये दे कि हाँ हम अपना बचाव करना चाहते हैं, इसका उत्तर ये हो सकता है। अब ये देखिए, यहाँ पर एक बात है कि इसका आंसर देने से पहले इंक्वायरी ऑफिसर एक तरह की वार्निंग जारी करती है कि बिफोर दिस क्वेश्चन इज पुट टू हिम ही मस्ट बी टोल्ड दैट द इंक्वायरी शैल ओनली बी हेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दो चार्ज व्हिच आर नॉट एडमिटेड बाय हिम। ये एक तरह की वार्निंग देता है कि देखिए जो चार्ज आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो चार्ज एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसी का बस इंक्वायरी किया जाएगा, और जो चार्ज आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसका कोई इंक्वायरी नहीं होगा, ठीक है, और जो चार्ज आप एक्सेप्ट नहीं करते तो उसी की इंक्वायरी की जाएगी, यह एक तरह का वार्निंग देना जरूरी होता है इंक्वायरी ऑफिसर के द्वारा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, इफ द सीओ प्लीज गिल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द चार्ज, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर किसी भी चार्ज को कबूल कर लेता है यानी कि एडमिट कर लेता है तो क्या होता है, आई यू गेट्स इट रिकॉर्डेड, आईओ इसे रिकॉर्ड कर लेता है डेली ऑर्डर शीट में एंड गेट इट साइंड बाय द सीओ, और सीओ का सिग्नेचर ले लेता है, यानी कि जब कबूल कर ही लिया तो उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है और फिर सीओ का सिग्नेचर उस पर लिया जाता है। फिर आगे प्रोसीजर होता है कि रूल 14(10) के तहत प्रोवाइड्स दैट आईओ शुड सेंड द फाइंडिंग ऑफ गिल्ट टू द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच ही हैज प्लीडेड गिल्टी। अब जो इस पर गिल्ट है, जब उसने एडमिट कर लिया है तो यह जो है भेजा जाता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास में, यानी कि इसे भेज दिया जाता है कि चार्ज ऑफिसर ने इन इन चार्ज को एक्सेप्ट कर लिया है, तो जो एक्सेप्ट कर लिया तो उस पर इंक्वायरी की जरूरत नहीं होती है, और यही चीज आगे बता रहा हूं कि जब ये एडमिट ही कर लेता है तो चार्जेज आर एडमिटेड, नो फर्दर इंक्वायरी शैल बी नेसेसरी, जब कोई चार्ज खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उस पर इंक्वायरी करना कोई जरूरी नहीं होता है, इन सच सिचुएशन द इंक्वायरी ऑफिसर इज बाउंड टू रिपोर्ट ऑफ गिल्ट, और इस सिचुएशन में जो एक्सेप्ट किया है तो इसका रिपोर्ट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, यानी कि जो इंक्वायरी ऑफिसर होते हैं उनको रिपोर्ट करना होता है कि इन चार्ज को, यानी कि ये जो आरोप लगे हैं चार्ज ऑफिसर पर, तो चार्ज ऑफिसर ने इसे कबूल कर लिया है, तो इसका रिपोर्ट भेज देती है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास में। अब जो चार्ज एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर उसकी इंक्वायरी की जाती है, जैसा कि आपने देखा है कि वार्निंग में भी ये चीज बताया जाता है। अब कहते हैं इन अदर केसेज ही शैल प्रोसीड टू होल्ड इंक्वायरी इन टू द चार्ज व्हिच आर नॉट एडमिटेड, जैसा कि बताया है कि जो चार्ज एडमिट नहीं करते
तो उसकी इंक्वायरी की जाती है। इन सब केसेस प्ली ऑफ डिनाइल शैल बी रिकॉर्डेड इन डेली ऑर्डर शीट इटसेल्फ। बताया कि जिन चार्ज को डिनाई करते हैं यानी जिन चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करते तो उसे भी रिकॉर्ड किया जाता है डेली ऑर्डर शीट में कि इन इन चार्ज को चार्ज ऑफिसर ने एक्सेप्ट नहीं किया और इसके संबंध में इंक्वायरी चाहता है, यानी कि अब इन चार्ज के अगेंस्ट में इंक्वायरी होना जरूरी है। तो ये डेली ऑर्डर शीट में लिया जाता है और डेली ऑर्डर शीट क्या होता है इसके बारे में अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन, हैव यू नॉमिनेटेड योर डिफेंस असिस्टेंट। जैसा कि नोटिस ऑफ प्रिलिमिनरी हियरिंग में बताया था तो उसी के साथ इस तरह की सूचना दी जाती है कि अगर आप डिफेंस असिस्टेंट रखना चाहते हैं तो उसका नाम भेजे। तो ये कंफर्म किया जाता है इस दिन कि क्या आपने डिफेंस असिस्टेंट नॉमिनेट किया है, यानी कि आपने नाम दिया है डिफेंस असिस्टेंट का। अगर नहीं, डू यू विश टू नॉमिनेट डिफेंस असिस्टेंट, अगर आपने नाम अभी तक नहीं दिया है तो आप किसी को डिफेंस असिस्टेंट बनाना चाहते हैं यानी कि रक्षा सहायक, यानी कि अपने बचाव में किसी को डिफेंस में रखना चाहते हैं, किसी को रक्षा सहायक बनाना चाहते हैं। अगर हाँ कहते हैं तो इसके भी नाम देने के लिए मौका दिया जाएगा। इस वीडियो के अंत में उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उसके लिए टाइम दिया जाता है। क्वेश्चन सेवन पूछता है, डू यू वांट टू टेक द इंस्पेक्शन एक्सट्रैक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड इन एनेक्सर थर्ड। आपने देखा होगा कि चार्जशीट का जो एनेक्सर थर्ड होता है उसमें डॉक्यूमेंट का लिस्ट होता है जिसके थ्रू डिसिप्लिनरी अथॉरिटी चार्ज प्रूव करना चाहता है, तो उसकी कॉपी पहले ही दी जाती है चार्जशीट के साथ ही चार्ज ऑफिसर को दी जाती है। तो अगर शक है यानी कि जो जिन डॉक्यूमेंट का मेंशन है उस लिस्ट में अगर उसे इंस्पेक्ट करना चाहता है तो ये पूछता है इंक्वायरी ऑफिसर, क्या उन डॉक्यूमेंट को आप इंस्पेक्ट करना चाहेंगे या उसका एक्सट्रैक्ट लेना चाहेंगे। एक्सट्रैक्ट मीन्स मैंने उससे कोट करना चाहेंगे, उससे जो यूजफुल चीज है उसे आप नोट करना चाहेंगे ताकि आप अपने आप को बचाव कर सके। तो अगर आपको चाहिए तो इसका आंसर रियली में हाँ होता है, हाँ में देना है, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कीजिए कि कहीं फर्जी डॉक्यूमेंट टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट तो नहीं है। जिन चीज का मेंशन एनेक्सर थर्ड में है उस सभी डॉक्यूमेंट का मिलान कर लीजिए कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, और इसलिए इस मौका को नहीं गंवाना है, यहाँ पर हाँ कहना है कि हाँ हम करना चाहते हैं। क्वेश्चन एट, ये भी कम इम्पोर्टेंट नहीं है, डू यू विश टू कॉल एनी डिफेंस विटनेस इन योर केस, इफ सो देयर रेलिवेंस। किसी को आप डिफेंस विटनेस बनाना चाहते हैं अपने बचाव में, किसी को गवाह बनाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो उसका रेलिवेंस बताइए कि किस तरह से आपको मदद कर सकता है, इसे कहते हैं रेलिवेंस दिखाना। यहाँ भी आंसर देना है, अगर आप किसी को गवाह बनाना चाहते हैं तो यहाँ आंसर हाँ दीजिए, और कि कोई गवाह नहीं है आपके पास में तब तो आंसर ना ही देना बेटर होगा। क्वेश्चन नाइन, ये देखिए, डू यू वांट एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स टू डिफेंड योर केस, इफ सो देयर रेलिवेंस। क्या आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, और एडिशनल डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने नोटिस ऑफ प्रिलिमिनरी हियरिंग में चर्चा की है कि एडिशनल डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होते हैं, एक तो चार्जशीट के साथ लगा होता है डॉक्यूमेंट एनेक्सर थ्री में, उसके अलावा यानी कि वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है उसके थ्रू डिसिप्लिनरी अथॉरिटी चार्ज प्रूव करना चाहता है। अगर आपको खुद के बचाव के लिए कोई और दूसरे डॉक्यूमेंट चाहिए तो इसकी मांग आप यहाँ कर सकते हैं। अगर इस स्टेज को मिस कर गए तो आगे आप डॉक्यूमेंट मांग नहीं सकते, इसलिए इसकी तैयारी करके आनी है कि क्या डॉक्यूमेंट हमें मांगना है, भले इसके लिए टाइम भी दिया जाता है जिसकी चर्चा आगे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ बिल्कुल केयर थोड़ रहिए कि आप सोच लीजिए पहले कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगना है। जो भी डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो लगभग उसका रेलिवेंस दिखाते हैं तो यह आईओ को देना होगा, ये आईओ को अवेलेबल करवाना होगा ये डॉक्यूमेंट। इसलिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए तो कहें हाँ मुझे एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, तो कहेगा लिस्ट दीजिए, तो लिस्ट के लिए टाइम दिया जाता है। अभी हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। और लास्ट जो दसवां क्वेश्चन पूछा जाता है कि डू यू विश एनीथिंग मोर फॉर योर डिफेंस, आपको अपने बचाव के लिए कुछ और चाहिए, सो बताइए। अगर है तो ऐसा आप आंसर दे सकते हैं। तो ये 10 प्रश्न लगभग ये मॉडल क्वेश्चन है जो कि प्रिलिमिनरी हियरिंग के रूल पूछे जाते हैं, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जनरली चार्ज ऑफिसर इसकी तैयारी करके नहीं आते, और डिफेंस असिस्टेंट प्रायर जो होता है अगर उतने जानकार नहीं होते तो वो भी इसकी तैयारी करके नहीं आते, और कई जगह गलती से उल्टा पुल्टा जवाब दे देते हैं जिसका खामियाजा आगे इंक्वायरी में भोगना होता है। तो अब बात करते हैं कि ये जो ऊपर आपने देखा है इसके अलावा भी कुछ ट्रांजेक्शन होता है, कुछ काम होता है। आईओ सेल फिक्स शेड्यूल फॉर द फॉलोइंग, अब एक टाइम शेड्यूल फिक्स करता है, जैसा आपने देखा है एडिशनल डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इस सब के लिए अब एक टाइम शेड्यूल फिक्स करती है, और ये प्रिलिमिनरी हियरिंग के रोज ही की जाती है। और कितना टाइम दिया जाता है इसकी भी इसके बारे में भी आप जान लीजिए। तो पहला यहाँ देख सकते हैं इंस्पेक्शन ऑफ लिस्टेड डॉक्यूमेंट, लिस्टेड डॉक्यूमेंट बताया जो एनेक्सर थ्री होता है चार्जशीट के साथ, तो इसके लिए अगर आप कहता है कि हम इसको इंस्पेक्ट करना चाहते हैं या एक्सट्रैक्ट लेना चाहते हैं तो इसके लिए 5 दिन का समय दिया जाता है, और जिसे मैक्सिमम 5 दिन और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 5 दिन का एक टाइम शेड्यूल फिक्स करेगा।
तो उसे कहेगा 10 दिन के अंदर में आप इसे जाके इंस्पेक्ट कर लीजिए वहां से, जो डॉक्यूमेंट चार्जशीट के साथ लगा हुआ है। दूसरा, सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ विटनेस, जैसा कि आपने देखा ये भी प्रश्न पूछा जाता है, अगर आप चाहते हैं कि विटनेस का नाम देना, तो इसके लिए भी टाइम देगा, कहेगा कि भाई इतने दिन के अंदर आप उसका नाम सबमिट करें, लिखित में सबमिट करें, और एविडेंस भी दिखाएं कि डिफेंस विटनेस से किस तरह से आपको मदद मिल सकती है। और तीसरा जो शेड्यूल फिक्स होता है, लिस्ट ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट, बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप एडिशनल डॉक्यूमेंट की मांग करते हैं तो इसके लिए कहता है कि 10 दिन के अंदर रिक्वायर्ड बाय द सीओ विद इन 10 डेज एक्सटेंडेबल बाय मैक्सिमम ऑफ अनदर 10 डेज, यानी कि 20 दिन के अंदर ये कोशिश होती है कि इसका लिस्ट जो है उनको दे दिया जाए, यानी कि 10 दिन का टाइम दिया जाता है चार्ज ऑफिसर को एडिशनल डॉक्यूमेंट का लिस्ट देने के लिए। अगर 10 दिन नहीं होता है, रिक्वेस्ट करने पर 10 दिन और इसे बढ़ाया जा सकता है, यानी मैक्सिमम 20 दिन के अंदर ये सबमिट करना होता है। तो दोस्तों ये जो आपने देखा है ये ट्रांजेक्शन खास करके उस रोज किया जाता है, और इसके बाद अब लास्ट में देखिए कि एंटायर ट्रांजेक्शन ऑन द डे ऑफ प्रिलिमिनरी हियरिंग इज रिकॉर्डेड डेली ऑर्डर शीट, जो भी ट्रांजेक्शन आपने देखा है इसको सभी सारे सारे चीजों को डेली ऑर्डर शीट में लिखा जाता है, और उस पर इंक्वायरी ऑफिसर, प्रेजेंटिंग ऑफिसर और चार्ज ऑफिसर तीनों का सिग्नेचर होता है प्रिलिमिनरी हियरिंग के रोज। और इसके बाद प्रिलिमिनरी हियरिंग खत्म हो जाती है, आपने देखा है कि अलग अलग चीज के लिए टाइम भी फिक्स कर दिया जाता है, इस बीच में ये सारा काम चलता रहता है। जब ये हो जाता है तो उसके बाद में रेगुलर हियरिंग का भी टाइम फिक्स होता है, अदरवाइज कहा जाता है कि प्रिलिमिनरी हियरिंग के रोज ही रेगुलर हियरिंग का टाइम फिक्स करना चाहिए, अगर ये संभव नहीं होता है तो बाद में भी इसकी सूचना, यानी कि रेगुलर हियरिंग की सूचना, क्योंकि आपने देखा है या एडिशनल डॉक्यूमेंट अवेलेबल करना है, करवाना है चार्ज ऑफिसर को, चार्ज ऑफिसर को विटनेस का लिस्ट देना है, डिफेंस असिस्टेंट को अपॉइंट करना है, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट करना है। तो ये सब जब हो जाता है तो इसके बाद रेगुलर हियरिंग का डेट फिक्स किया जाता है, जिस दिन एविडेंस भी लिया जाता है, जो गवाह होते हैं उसकी गवाही ली जाती है, अदरवाइज इतने ट्रांजेक्शन के बाद प्रिलिमिनरी हियरिंग ये खत्म हो जाती है। अब ये सारा जो यहाँ ट्रांजेक्शन जो आपने देखा है टाइम पीरियड, तो इसके लिए कोई एक साथ प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं होती है, ये बीच में चलता रहता है, ये पेपर वर्क है ये सब चलता रहता है। जब ये सारा हो जाता है उसके बाद रेगुलर हियरिंग का डेट फिक्स कर दिया जाता है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ में आ गई होगी प्रिलिमिनरी हियरिंग क्या होता है, प्रिलिमिनरी हियरिंग के रोज कौन कौन सा ट्रांजेक्शन होता है, और चार्ज ऑफिसर को, डिफेंस असिस्टेंट को किस तरह की तैयारी करके आनी चाहिए। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, और यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी लिखकर जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।